हाँ तो मित्रों, मैं सुनील लखोटिया आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्विक रीजन। इस प्रोग्राम में मैं आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों ही पार्ट के क्विक रीजन कराने जा रहा हूं और एक अच्छे डेप्थ में भी कराऊंगा। और सही समय पर आपके मतलब टोटल समय की बचत होगी और साथ में आप जल्दी से बहुत कम समय में अपने तीनों ही पार्ट का एक अच्छे लेवल पे रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम एक एक करके सारे बहुत सारे चैप्टर्स पे। और दिवाली अब हमारे पास में आ रही है तो हम चाहते हैं इनका बहुत अच्छा यूज करें। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अच्छे से अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का। इसके अंदर किसी भी रिएक्शंस के लिए आपको रिएक्टेंट कितने समय में प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट कितना टाइम लेगा पूरा खत्म होने में, इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं। साथ में ये भी बताया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेट कितनी तेजी से बढ़ेगी या कम होने पर कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो हम पढ़ेंगे। और किसी भी रिएक्टेंट का हाफ अमाउंट कितने टाइम में खत्म होगा, 3/4 कितने टाइम में खत्म होगा, उन कर्व उनको जो फिनिश हो रहा है उनकी रेट टाइम के साथ किस तरह से चेंज होती है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक और एक एक करके हम सभी फॉर्मूला का रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शंस। ये रेट ऑफ रिएक्शंस कुछ और नहीं होती, रेट ऑफ रिएजेंट जो होता है उसमें उसी का कोफिशिएंट डिवाइड करते तो रेट ऑफ रिएक्शंस आ जाती है। इज दैट क्लियर? और रेट ऑफ रिएक्शंस अब तो आपको आना चाहिए कि रिएजेंट के लिए हम कैसे निकालते हैं और रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं। रिएजेंट के लिए यानी कि जो आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसमें जो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है, वो कहलाती है रेट ऑफ रिएजेंट। और उसके अंदर अगर कॉफिशियंट का डिवाइड कर देते हैं तो वो कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल साथ के साथ मैं ले रहा हूँ आपके पास कि अगर आपके पास कोई रिएजेंट है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, N2+3H2 forms twice NH3, is that clear? तो यहाँ आपको N2 की रेट दी जा रही है तो उसमें 1 का डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मिलने वाली क्वांटिटी आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगी। यदि आपको H2 की रेट दी गई है और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो उसमें किसका डिवाइड होगा, 3 का, यहां पर आपको 2 का डिवाइड करना होगा। तो ये तो रहा रेट ऑफ रिएक्शंस। आप किसी भी रिएजेंट से निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन सेम आएगी। इसका मतलब किसी भी रिएजेंट में उसकी रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू थ्रू आउट द इक्वेशंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, भले वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट। तो यही चीज मैंने यहां पर एक तरह से इक्वेशंस यानी कि रेट इक्वेशन के अंदर एक्सप्लेन की है। मैंने इस रेट इक्वेशन के अंदर सभी रिएजेंट की इंडिविजुअली रेट लिखी है, फिर उसमें उसी का कॉफिशियंट डिवाइड किया है और वो वैल्यू थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम होगी। लेकिन वो जो सेम होगा, इक्वल अमाउंट होगा, वो उनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, न कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो अगर आप चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड ना रखें तो यहाँ पर हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्योंकि डिसअपियर होते हैं, प्रोडक्ट अपियर होते हैं, तो यहाँ जो रेट इनके लिए बोल दी जाती है वो होती है डिसअपियर रेट, इनके लिए बोली जाती है अपियर रेट। डिसअपियर रेट में आपको फिर उन रेट के साथ माइनस लगाना पड़ेगा और अपियर के साथ प्लस लगाना पड़ेगा जिससे आपकी दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए। तो फिर एक बार शॉर्ट में वापस समझते हैं कि आपको रिएक्टेंट का रिएक्शन रेट निकालने के बाद उसमें उसी का कॉफिशियंट डिवाइड करो और साथ में माइनस लगाइए। फिर यही चीज क्योंकि बी भी रिएक्टेंट है, यहाँ बी के साथ भी यही करना है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डीटी और यहाँ पर भी माइनस लगेगा और फिर उसी का कॉफिशियंट डिवाइड होगा बी। और सी के साथ माइनस नहीं लगाना है, डी के साथ माइनस नहीं लगाना है, लेकिन उनमें कॉफिशियंट सी और डी है, उनका ध्यान रखिएगा। तो सभी के कॉफिशियंट सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास हो रहा है। जब हम डीटी यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है हम इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं यानी बहुत जल्दी में बात कर रहे हैं, और डेल्टा टी कर रहे हैं तो हम बहुत आराम से बात कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, तो इसलिए डीटी को बोल देंगे इंस्टेंटेनियस रेट और इसको बोलेंगे हम एवरेज रेट। निकाला हम क्या जा सकते हैं, क्या हम इंस्टेंटेनियस निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते, तो हम नॉर्मली बात करते हैं डेल्टा टी की, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, वो टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड से लेके 1 मिनट या 10 मिनट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस की कोई लिमिट नहीं होती, वो बहुत ही कम टाइम है। फिर भी अगर आपको इसको निकालना है तो ये कर्व के थ्रू होता है क्योंकि DC/dt या DA/dt स्लोप का काम करता है, तो जब आप कंसंट्रेशन कर्व बनाते हैं तो उनमें स्लोप ही हमारे लिए इंस्टेंटेनियस रेट होती है। तो इसको न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व करते, इसको हम प्रैक्टिकली कर्व के थ्रू करते हैं। चलिए, तो जो रिलेशन हमारे पास इंस्टेंटेनियस के लिए आ रहा है वैसे ही हमारे लिए एवरेज के लिए भी आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर एक इंस्टेंटेनियस ले लिया तो फिर हमें अदर प्रॉपर्टीज यानी अदर रिएजेंट भी सेम उसी यूनिट में लेने पड़ेंगे, और अगर एक
एवरेज में ले लिया तो बाकी की भी एवरेज लेनी पड़ेगी। कहने के तौर पे मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर आपने एक जगह डी ए बाई डी टी लिखा है तो डी ए बाई डी टी लिखा है तो दूसरी जगह भी डी बी बाई डी बी बाई डी टी लेंगे यानी डी लेंगे, और अगर आपने डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखा है तो फिर डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी आप लेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपके लिए बहुत आसान काम हो गया इन छोटे बहुत पॉइंट्स का। मैं इसमें न्यूमेरिकल देता हूँ, न्यूमेरिकल कैसे बनाता हूँ, मैं आपको डेल्टा टी की वैल्यू देता हूँ, डेल्टा ए की वैल्यू दे देता हूँ आपको, उनका रेशियो निकाल के, और उसकी वैल्यूज निकालनी होती है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके एक तरह से रेट ऑफ ए निकालना होता है। और साथ में अगर मैं आपसे बी की रेट पूछता हूँ तो बी की रेट कैसे निकालोगे, जो ए की रेट निकली है उसमें ए का डिवाइड करो और बी से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आपको किसकी रेट मिल जाएगी, बी की मिल जाएगी। और अगर आपने उसको बी से नहीं सी से मल्टीप्लाई करा तो आपको सी की मिल जाएगी। तो जिसकी रेट निकालनी है उसका कॉफिशियंट ऊपर रहता है और जिसकी रेट दी गई है उसका कॉफिशियंट नीचे रहता है। तो जिस और मल्टीप्लाई करना किससे, ऑब्वियसली जिसकी दी गई है। तो बहुत आसान है, अगर आपको सपोज डी की रेट निकालनी है और ए की दी गई है तो ए की रेट को जिसकी रेट निकालनी है उसका कॉफिशियंट से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड ए का ही करो। तो ये बहुत आसान तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल अच्छे खासे देखने को मिलेंगे आपको टाइम टू टाइम। अब ग्राफिकल मेथड हम देखते हैं, ये ग्राफ है जो बोर्ड के लिए हमारे लिए ईजी रहते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ बन रहे हैं वो है एक तरह से कंसंट्रेशन कर्व बताते हैं, जो कंसंट्रेशन को टाइम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी ये किसके लिए होते हैं, रिएक्टेंट के लिए भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए भी हो सकते हैं। तो रिएक्टेंट के लिए जब आ रहा है तो ये कहलाता है कर्व डिसअपियर कंसंट्रेशन कर्व या डिसअपियर कर्व, और जब यहाँ पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के लिए हो रहा है तो अपियर कर्व ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मैं वापस आ रहा हूँ, रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती है और प्रोडक्ट के लिए टाइम के साथ बढ़ती है। प्रोडक्ट शुरुआत में जीरो होता है, लास्ट में कुछ बढ़ जाता है, रिएक्टेंट शुरुआत में कुछ अमाउंट होता है और फाइनली धीरे धीरे किस तरफ जाता है, जीरो की तरफ। तो ये तो बात रही पॉइंट्स कर्व की, एक कोऑर्डिनेट पे हम कंसंट्रेशन लेते हैं, दूसरी तरफ हम टाइम ले रहे हैं, टाइम सेकेंड मिनट किसी में भी ले सकते हैं। अब किसी भी पॉइंट पे अगर हमारे को रेट निकालनी है तो वो पॉइंट अपने आप में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, यानी निकलने वाली रेट हमारे लिए क्या होगी, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में हमारे को कुछ भी नहीं करना, उस पॉइंट पे स्लोप बनाना है और जो वैल्यू आ रही है थीटा, उस टेन थीटा को ही हम रेट बोलते हैं, वो कंसंट्रेशन डीसी बाय डीटी होता है। तो ये हमारे लिए हो रहा है। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, सर हम थीटा यहाँ से मेजर करें या यहाँ से, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ आपका आंसर हमेशा मैग्नीट्यूड में ही शो करना होता है, रेट में। इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने, मैग्नीट्यूड में। तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, आप कहीं से भी लें आपको आंसर तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही मिलेगा। इसलिए ये आपके लिए बहुत क्लियर पॉइंट है, क्योंकि हम वर्डिंग्स में ही अपने आप में इस तरह से लिखते हैं डिसअपीयर, तो अब वो वैल्यू अपने आप में मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है। तो आपका आंसर हमेशा रेट जब भी दिखाई देगी वो आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? तो एवरेज रेट हमने यहाँ फॉर्मूला रखा, कैसे निकाल रहे हैं एवरेज रेट, ये पॉइंट्स है कंसंट्रेशन आर वन आर टू, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम, और उसका माइनस ले लिया, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये पॉजिटिव में मिलेगी। हाँ, रेट अगर कंसंट्रेशन में नहीं दी गई तो किस में दे सकता है, प्रेशर में भी दे सकता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ रेट किसके लिए निकाली जा रही है, प्रोडक्ट की। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, दोनों की रेट क्या सेम आएगी, मैं ये नहीं कह रहा सेम आएगी, हो सकता है अलग अलग आए। अलग अलग क्यों आ रही है, क्योंकि उनके कॉफिशियंट अलग अलग है। अगर ए टू बी में कन्वर्ट हो रहा है तो मेरी जो रेट होगी आपकी उस आपकी रेट डबल होगी मेरे से, क्योंकि आपका कॉफिशियंट ज्यादा है। तो मैंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली है, क्या बोला है मैंने, जिस रिएक्शन के लिए कॉफिशियंट ज्यादा होता है उसके लिए रेट भी ज्यादा होती है। तो आप अपने नोट्स में लिखें, और ये सारे नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में भी दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड करें और ये पॉइंट साथ के साथ लिखें। क्या बोला मैंने, जिस रिएक्टेंट की रेट स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशियंट ज्यादा होता है उसकी रेट भी ज्यादा होती है। चलिए आगे, और भी बहुत सारे पॉइंट है हमारे पास। इंस्टेंटेनियस रेट ऑब्वियसली ये स्लोप से ही निकाली जाएगी, और एवरेज रेट हम कैसे निकाल रहे हैं, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी करके। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट काइनेटिक्स, हमारे पास काइनेटिक का मतलब है क्या, कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर से लेके एंथ ऑर्डर तक फॉलो करती है। एंथ ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पर कि कंसंट्रेशन के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी क्या है। नहीं समझ में आया, सुमरो, मान लीजिए अगर आपने बहुत सारे फंक्शन तो पहले ही पढ़े, y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल x क्यूब, y प्रोपोर्शनल x की पावर जीरो, इस तरह से आप पढ़ रहे हैं,
पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? तो ये क्या होते हैं, लीनियर, पैराबोला, हाइपरबोला, इस तरह के कर्व होते हैं, होते हैं या नहीं होते? तो ये आपको एक रिलेशंस होता है जो ये बताता है कि किसके साथ क्या डिपेंडेंसी है, साथ के साथ ऑर्डर भी बताता है। ऑर्डर कब बोल सकते हैं? अगर वाई हमारे पास रेट का काम करे और एक्स हमारे पास कंसंट्रेशन का काम करे, तो ये हमारे पास जो पावर आती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, अगर आप किसी भी रिएक्शन में रेट की बात करते हैं, जैसे ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये बात तो तय है कि ए बी में चेंज हो रहा है, लेकिन जो रेट है वो कुछ भी हो सकती है। ए पे डिपेंडेंसी जीरो भी हो सकती है, ए पे डिपेंडेंसी वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, और भी बहुत सारी हो सकती है। तो जितना होगा ये उसके लिए क्या हो जाएगा, ये जीरो वन टू थ्री, ये उसके लिए क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास कोई भी ऑर्डर हो सकता है। यहां उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, डिफरेंट लो के लिए हमारे पास रेट, लो के लिए क्या रेट हमारे पास क्या आ रही है, के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे लिए के ए होगा, सेकंड के लिए हमारे के ए स्क्वायर होगा, और एन ऑर्डर के लिए के ए की पावर एन होगा। दूसरी तरफ इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशंस, यानी कि उनको हम इंटीग्रेटेड करें। इंटीग्रेटेड का मतलब यहां पर क्या होता है, जब रेट होती है वो डीसी बाई डीटी के फॉर्मेट में होती है, हम चाहते हैं कि वो सीधा सी की फॉर्मेट में आए, तो इसका मतलब हमें डीसी बाई डीटी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है जीरो ऑर्डर के लिए, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू की टी के टी। यहाँ ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए हमारे पास टी टाइम पे कंसंट्रेशन है, और के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, और टी यहाँ पर क्या है, टाइम है। दूसरी तरफ इस तरफ भी देखते हैं, के टी ये किसके लिए लगेगा, अगर पावर वन है, ए की पावर क्या है यहाँ पर वन है, तो के टी की वैल्यू क्या होगी, एल एन यानी कि लॉग बेस ई ए नॉट अपॉन ए टी। ए नॉट इनिशियल कंसल्टेशन और ए टी आपके लिए फाइनल कंसल्टेशन। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर लॉग बेस 10 बनाना चाहते हैं तो ln को log बेस 10 कैसे बनाते हैं, आप 2.303 लिखकर log a नॉट बाय at करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रिएक्शन ही सेकंड ऑर्डर की है तो आप क्या करेंगे, यहां पर kt और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नॉट। a का मतलब t टाइम पर कंसल्टेशन और a नॉट का मतलब इनिशियल कंसल्टेशन। kt तो है ही आपके पास, k यहां पर रेट कांस्टेंट है और t यहां पर क्या है, टाइम है। और अगर nth ऑर्डर की है तो यहां पर n माइनस वन, बाकी फॉर्मूला a की पावर n माइनस वन और माइनस वन अपॉन a नोट की पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, आपको फॉर्मूले एग्जाम में नहीं दिए जाते, खुद लगाने पड़ते हैं याद करके। हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, a नोट अपॉन 2k, यहां हाफ लाइफ क्या होगी, ln 2 अपॉन k, यहां हाफ लाइफ क्या होगी, k अपॉन a नोट k, और वहां हाफ लाइफ क्या होगी, ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो आपने इसमें क्या सीखा, एक बात, ऐसी कौन सा ऑर्डर है जिसके अंदर हाफ लाइफ में कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रही, ए नोट नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ हाफ लाइफ बढ़ेगी, यहां कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ हाफ लाइफ कम होगी, यहां कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ हाफ लाइफ कम होगी। तो दो जगह कम हो रही है, बाकी यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पर फर्क पड़ रहा है। अगर आपने 3/4 लाइफ देखा तो फॉर्मूले में तो प्रोपोर्शनलिटी में तो वही रहेगा, लेकिन बस वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो चलिए यहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं, यहां हाफ लाइफ और 3/4 लाइफ में, यानी 3/4 का मतलब क्या है, हाफ लाइफ तो जानते हो, अगर मेरे उम्र भगवान ने 100 साल लिखी है, ज्यादा नहीं जीना चाहता, और तो 50 साल मेरी हाफ लाइफ होगी, लेकिन अगर मेरी फुल उम्र यानी कि 100 ईयर्स है तो 3/4 का मतलब मेरी क्या है, 75 ईयर्स मेरी 3/4 लाइफ है, यानी इसका मतलब 75 ईयर्स मेरी 3/4 लाइफ है, यानी मैं अपना 75% खत्म कर चुका हूँ, वो मेरे लिए 3/4 लाइफ होगी। इज दैट क्लियर? तो यानी 3/4 का मतलब है 75% खत्म होना, या आप यहाँ पर टी पॉइंट एट लिखते हैं, पॉइंट एट लिख दिया टी के साथ, तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ का 80% खत्म कर चुके हैं और 20% बचा हुआ है। तो जब 3/4 लिखा है तो कितना बचा हुआ है, 1/4 बचा हुआ है, 3/4 खत्म हो चुका है। तो इस जगह आप अगर फॉर्मूले में निकालना चाहें तो आप इनमें एक रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ 3/4 3/2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होगा, यहाँ 3/4 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ 3/4 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने, और यहाँ 3/4 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 हाफ लाइफ होगा। तो खास तौर पे आप इस फॉर्मूले से बाकी के लिए भी डेराइव कर सकते हैं।
इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आपके पास एक एक करके बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, चलिए इनको लिखें आप, ठीक है। हाँ तो जो हम वापिस कर रहे हैं बात, ग्राफ्स ऑफ वेरियस ऑर्डर, यानी कुछ इंपॉर्टेंट कर्व जिसमें हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, 1/a कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में कर्व देखेंगे। ये सारे कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं रेट। जीरो ऑर्डर का मतलब है, ध्यान से सुनना, जीरो ऑर्डर यानी कि रेट कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगी। तो थ्रू आउट द कर्व कैसा रहेगा, लीनियरली, और लीनियरली भी और कांस्टेंट भी। तो ये हमारे लिए एक तरह से रेट हमेशा ए पे डिपेंड नहीं करेगी, तो आपको इस तरह का कर्व दिखाई देगा। अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, भाई मैं अगर कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं तो मैं आपको कंटिन्यू ऐसे समझिए, मैं आपको हर एक सेकंड में 100-100 रुपए दिए जा रहा हूं, तो मेरा रेट तो 100 रहेगा हमेशा, लेकिन मेरा अमाउंट कम होगा या नहीं होगा, होगा। 100 रुपीज पर सेकंड दे रहा हूं तो मेरे पास जो अमाउंट है वो तो टाइम के साथ कम होगा, लेकिन जो मेरी रेट है यानी देने की क्वांटिटी है वो पर सेकंड कांस्टेंट रहेगी। इज दैट क्लियर? अगर ये एक ही कंसंट्रेशन को आप देखते हैं लॉग ले लेंगे, तो मेरे पास क्योंकि अमाउंट कम हो रहा है तो लॉग ए की वैल्यू भी कम होगी, और अगर मैं 1/a करता हूं तो 1/a की वैल्यू क्या होगी, वो तो बढ़नी तय है, क्योंकि ए कम हो रहा है तो 1/a इनवर्सली हो जाएगा, उसका अपोजिट कर्व जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पैराबोला शेप या अलग ही तरह का कर्व दिखेगा। तो अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं तो मेरा यहां पर कहना यह है कि जो रेट वर्सेस ए है, क्या बोला मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कि आपके पास जो रेट वर्सेस ए है कंसंट्रेशन से, वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, होगा भाई। और जनरली ये इस कर्व को आप इस तरह से देखिए कि मेरी जो रेट है वो इस तरह से नहीं जा रही है, गलत है। आप इस कर्व को ऐसा देखेंगे, इस तरह से, यानी रेट आपके पास कंसंट्रेशन के साथ चेंज होगी। अच्छा सॉरी, बिल्कुल ये सही है, टाइम के साथ नहीं दे रहा, हमने किसके लिए बात कर रहा है, कंसंट्रेशन। तो रेट ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर प्रोपोर्शनल ए, इज दैट क्लियर? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आर प्रोपोर्शनल ए है, यानी अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो जितना ज्यादा ए रखेंगे आर भी उतना ही ज्यादा होगा, तो ये बिल्कुल सही है। बस इसमें एक ही बात करना कि ए की वैल्यू जीरो होगी तो नॉट डिफाइन होगा, तो लास्ट में डॉटेड छोड़ कर देना, इज दैट क्लियर? और अगर यहाँ पर ए की जगह टी होगा टाइम, तो रेट टाइम के साथ क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। रेट और टाइम में ये कर्व है, लेकिन रेट और कंसंट्रेशन में कर्व ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगर आप बात करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो देखो कोई भी रिएक्शन हो, जीरो हो या फर्स्ट हो या एंथ हो, कंसंट्रेशन तो हमेशा कम ही होना है समय के साथ। आप मैं आपको पैसा भले जल्दी जल्दी दूं, धीरे दूं या बहुत आराम से दूं, लेकिन मेरा पास पैसा तो कम ही हो रहा है। तो यहाँ पर ए हो, लॉग ए हो, हमेशा कम हो रहा है, तो ये एक तरह से हाइपरबोला कम हो रहा जा रहा है। अगर लॉग ए में रखूंगा तो ये लीनियरली कम होगा, लेकिन होगा कम टाइम के साथ अमाउंट है, और 1/a रखूंगा तो ये बढ़ेगा, हमेशा इस तरह से कर्व में बढ़ेगा। थर्ड, अगर बात कर रहे हैं हम सेकंड ऑर्डर के लिए, तो रेट और ए के लिए क्या होगा, ए अगर आप इनिशियल अमाउंट लेंगे तो रेट तो आपके पास बढ़नी ही है, इस फर्स्ट ऑर्डर में भी सेकंड ऑर्डर में भी, सिवाय जीरो ऑर्डर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें रेट फिक्स है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता आपके पास कितने रुपए हैं, यहां डिपेंड करेगा भले सेकंड हो या थर्ड हो। अमाउंट अगर ज्यादा लोगे तो रेट भी ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आर प्रोपोर्शनल ए, ए की पावर 1, 2, 3 कुछ भी हो, यहाँ पर 2 हो रहा है तो और तेजी से बढ़ेगी, 1 होता तो धीरे धीरे बढ़ती, लेकिन बढ़ती। अब यहां हमारे पास 0 होता तो कांस्टेंट चलती। इस तरफ देखते हैं ए और टाइम के साथ, तो वो तो कम होना ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लॉग ए है तो और कम होना है तेजी से, और 1/a तो लीनियरली इस तरह से बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर कुछ कर्व कम हो रहे हैं, कुछ कर्व बढ़ रहे हैं, आप एक बार समझ लीजिए इन कर्व को, कुछ आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे पास अगली स्लाइड्स आ रही है, और वो है हमारे पास क्या है, आप पढ़िए इसको, मॉनिटरिंग काइनेटिक्स एक्सपेरिमेंटली, द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन कैन बी फॉलोड, ऑर्डर कॉन्स्टेंट एक्सेस्ट्रा कैन बी एस्टेब्लिश बाय मेजरिंग ए प्रॉपर्टी विच चेंजेस द टाइम। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे को पढ़ने हैं, और आपने पढ़े भी होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, टोटल प्रेशर इन ए गैसेस रिएक्शन, सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ गैस रिएजेंट, थर्ड है वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर, फोर्थ है ऑप्टिकली
रोटेशंस, इन सबकी काइनेटिक्स आपको एक एक करके देखनी होती है, और टाइम के साथ देखिए जब अमाउंट कम होता है ना तो ये सब चीज़ें भी इफेक्ट होती है, और इन्हीं से हम काइनेटिक यानी ऑर्डर के बारे में भी कमेंट करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ कि काइनेटिक किस तरह से चेंजेज हो रही है। मान लीजिए एक रिएक्शन है, हमें नहीं बताया कि ये कौन से ऑर्डर की है, बस हम क्वेश्चंस करते वक्त इस तरह से देखते हैं कि ए एन एन बी में चेंज हो रहा है, अगर इसके सी मोल है यहाँ जीरो है, सी माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे एन एक्स, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे एन सी, क्योंकि इसका सी खत्म होने के यहाँ एन सी बनेगा। तो ये सी नोट यहाँ पर क्या है, सी नोट इनिशियल कंसल्टेशन है, सी टी टी टाइम पे कंसल्टेशन है, और सी इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम पे कंसल्टेशन है। तो अलग अलग पॉइंट्स को हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे, फॉर एनी मेजरमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट वेरियस टाइम्स फॉलोइंग रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो ये बात तो तय है कि प्रॉपर्टीज, भले ही वो रोटेशन एंगल हो, या वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो, या वो प्रेशर ऑफ कंटेनर हो, डायरेक्ट इनडायरेक्टली सब एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनेट है, वो मोल के साथ भी प्रोपोर्शनेट है, यानी कंसंट्रेशन के साथ भी प्रोपोर्शनेट है। तो जितने भी मेरे फॉर्मूले हैं उन सब में मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी काइनेटिक में ले रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर में क्या है। अगर के की बात करेंगे तो वन, मैंने आपको पहले ही बताया था के टी इक्वल टू एल एन ए नोट बाई ए टी, उसी को अलग फॉर्मेट में लिखा है के टी, टी को मैं उधर ले लिया, एल एन ए नोट बाई ए टी। ए टी का मतलब क्या है, बचा हुआ, बचा हुआ का मतलब क्या है, इनिशियल माइनस खत्म हुआ। तो ये इनिशियल एक्स नोट है और खत्म हुआ क्या है एक्स है, इनिशियल एक्स नोट है, इज दैट क्लियर। तो यहां हमारे पास इस तरह से हो रहा है, अगर हमारे पास यहां पर एक्स नॉट और एक्स टी दिया हुआ है किसी टाइम पे, तो हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है, अलग अलग पॉइंट्स पे हमारे पास, तो ये फॉर्मूला हमारे पास 1 बाई टी एल एन एन माइनस वन एक्स नॉट अपॉन एन एक्स नॉट माइनस एक्स वन। तो ये मैं कब लग रहा हूँ, जब n की n है, यानी n की वैल्यू 1 नहीं है, 1 होगा तो अपने आप ये वाला फॉर्मेट हो जाएगा, और अगर x नॉट x फाइनल दे रखा है तो n माइनस वन एक्स इनफाइनाइट n n x इनफाइनाइट माइनस एक्स टी, और अगर आपके पास x नॉट x t x इनफाइनाइट तीनों दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे k 1 अपॉन t ln x इनफाइनाइट माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय x इनफाइनाइट माइनस एक्स टी। रिमेंबर दैट ये सभी बहुत ईजी हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। अगर x इनफाइनाइट नहीं दिया हुआ है तो अपने आप ही आपके पास क्या हो जाएगा, x नॉट अपॉन x t, यानी x नॉट अपॉन x t, इज दैट क्लियर। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करें आपको पता चल जाएगा, और n की वैल्यू 1 रखते ही ये फॉर्मेट अपने आप बन जाएगा। तो सब बहुत ध्यान से देखिएगा, आप इनको लिखिए समझिए, ओके। एक और हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर मॉनिटरिंग काइनेटिक एक्सपेरिमेंटली इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। देखिए केन शुगर है, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का मतलब जानते ही हैं आप कि एक तरह से आपके पास क्या हो रहा है, जो आपके पास ग्लूकोज है वो जो आपके पास सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्जन हो रहा है हमारे पास, और उल्टा ग्लूकोज फ्रुक्टोज भी मिलके आपके पास किस में चेंज हो सकता है, सुक्रोज में। लेकिन फिलहाल एसिडिक मीडियम में हमने यहाँ पर इसका क्या किया, हाइड्रेशन किया और कन्वर्ट किया। ये सभी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, तो जैसे जैसे डिकम्पोज होगा तो आपका एंगल भी चेंज होगा। यहाँ सबके मैंने बॉन्ड एंगल रोटेशन एंगल भी दिए हुए हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको। और एक क्या कहते हैं, लीवो होता है तो एक डेक्स्ट्रो होता है सिस्टम, यानी वो सारे पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, एक क्लॉकवाइज घुमाता है एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो अगर आप इसकी काइनेटिक देखते हैं तो कहीं ना कहीं रोटेशन एंगल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और कंसंट्रेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑर्डर ऑफ काइनेटिक क्या है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मेट को यूज करेगा, एल एन के टी इक्वल टू एल एन ए नोट अपॉन ए टी, और एल एन ए नॉट अपॉन ए टी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होंगे, रोटेशन एंगल से, क्योंकि इनफाइनाइट पे भी एंगल दे रखा है आपको, तो आप इनफाइनाइट वाला कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, के इक्वल टू 2.303 टी अपॉन टी लॉग आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट अपॉन आर इनफाइनाइट माइनस आर टी, जो कि हम पहले ही यूज कर चुके हैं। और इसी चीज को यहाँ आर नॉट क्या होगा, रोटेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, आर टी रोटेशन एट टाइम टी, आर इनफाइनाइट रोटेशन एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट। ये मैंने आपको बता ही दिया, आपके पास वैल्यूज रख दीजिएगा, आपके पास न्यूमेरिकल हुआ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आजकल ऐसे न्यूमेरिकल आते कहाँ हैं, आपके पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले वही बहुत है इस जगह। तो चलिए अगर यही चीज वॉल्यूम में आ रही है कैसी है, यहाँ पर वॉल्यूम टाइट्रेशन किया जा रहा है। देखिए पहले तो समझिए ये है क्या, एस्टर है जिसका हाइड्रोलिसिस किया है एसिडिक मीडियम में, जिससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब
यहां पर H प्लस कैटलिस्ट का काम कर रहा है और साथ में सी एस सी सी डब्लो एच, यानी कि धीरे धीरे सी एस सी सी डब्लो एच बढ़ेगा, H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो आप मान लीजिए एक जैसे 50 कंटेनर आपने रख लिए अलग अलग कंटेनर में, सब में एक ही चीज रखी है शुरुआत में, सब में सब बराबर है H प्लस की कंसंट्रेशन, लेकिन अगर मैंने अलग अलग कंटेनर के अलग अलग टाइम पे NaOH के साथ रिएक्शन कराई, तो जो शुरुआत में कराऊंगा उसमें सिर्फ H प्लस रिएक्शन करेगा, ये वाला जो कैटलिस्ट में लिया है, लेकिन कुछ देर बाद दूसरे कंटेनर में कराऊंगा तो उसमें ये भी रिएक्ट करेगा ये भी, और ऐसे अलग अलग कंटेनर में अलग अलग टाइम पे H प्लस की कंसंट्रेशन अलग अलग जनरेट होगी, शुरुआत में सेम थी तो इसलिए एक्सपेरिमेंट के डाटाज भी अलग अलग आएंगे। तो वो जो NaOH के कंज्यूम होगा वॉल्यूम, वो अगर वॉल्यूम दिया जाए तो उसमें आपको इस रेट को कैसे रिलेट करेगा वॉल्यूम ऑफ NaOH, और इसके लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो यहां पर वो जो NaOH कंज्यूम होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इसके मोल पर डिपेंड करेगा, ये कितना डिकम्पोज हुई है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक वाला फॉर्मूले लग जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी। यहाँ वी इनफाइनाइट और वी नॉट अपने आप में क्या है जल्दी बोलो, वॉल्यूम ऑफ NaOH, आ रही है बात समझ में? तो वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन यूज एट टाइम टी जीरो V नॉट, इनफाइनाइट पे यूज किया V इनफाइनाइट, T टाइम पे यूज किया T टाइम पे। तो ये तो हमारे पास बहुत इजी फॉर्मेट आ गया। हाँ तो बच्चों अब हम बहुत अच्छे पॉइंट्स पे भी बात करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड आपके पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। फर्स्ट, टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसल्टेशन, मैं पहले ही बोल चुका हूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कंसल्टेशन पर डिपेंड नहीं करता लेकिन रेट डिपेंड करती है, जबकि जीरो ऑर्डर के अंदर रेट नहीं करती है टी हाफ करता है। आ रही है बात समझ में? इन दोनों ही पॉइंट्स का आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हमने ये पॉइंट क्लियर करा। सेकंड पॉइंट, इन इक्वल टाइम इंटरवल रिएक्टेंट्स फिनिश इन इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन का मतलब होता है इक्वल परसेंटेज डिकम्पोजिशन होना। तो ये हमारे पास बहुत सही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर शुरुआत में आपके पास ए नोट है और वन बाई या मतलब कोई भी अमाउंट खत्म हो चुका है तो एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली एक से छोटी होगी। सपोज वन बाई टू अमाउंट या वन बाई फोर खत्म हो चुका है तो अगले उतने ही टाइम में उतना ही अमाउंट फ्रैक्शनल वाइज कम होगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ 10 था तो अब यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर 1.25 हो जाएगा, यानी आप उसी फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर सपोज यहाँ पर 27 था, यहाँ पर आपके पास 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 1/3 होगा, यानी सेम रेशियो में सेम टाइम में सेम रेशियो में डिकम्पोज होता हुआ चेंज होगा। तो यही आपके साथ यहाँ पर आ रहा है वाइट, इज दैट क्लियर? तो चलिए हम यहाँ तक करते हैं। तो हमारे पास एक और है यहाँ पर, ग्राफ ऑफ ln a वर्सेस t स्ट्रेट लाइन विच स्लोप k अपॉन 2.30 थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने ln a और t के बीच में कर्व बनाया तो वो आपके लिए एक स्पेशल स्लोप रखेगा, उसकी वैल्यू होगी k अपॉन 2.303। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ a वर्सेस t के बीच में अगर आपने बनाया तो वो डिक्रीजिंग होगा, वो तो मैंने आपको कर्व के अंदर पहले ही समझा दिया था। लेकिन ऐसे ही पॉइंट अगर आपको जीरो ऑर्डर के लिए समझने, किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। तो देखिएगा, जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपको समझने तो टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशंस। बिल्कुल सही है आपके पास, कि अगर आप बात कर रहे हैं कि जीरो ऑर्डर है तो आपके पास हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए होता है, मैंने बोला है, यानी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड भी करती है और कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ हाफ लाइफ बढ़ती भी है, और अगर हाफ लाइफ कम हो रही है कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ, तो इसका मतलब ना तो वो जीरो ऑर्डर है ना वो फर्स्ट ऑर्डर है, फिर वो सेकंड या थर्ड होगी। और अगर वो कांस्टेंट है हाफ लाइफ, कौन हाफ लाइफ, तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो चलिए क्या सीखा आपने, जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्स्टेंट, और सेकेंड थर्ड के लिए हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के साथ उल्टा, कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ, यानी कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ हाफ लाइफ कम होगी और कंसंट्रेशन कम होने के साथ हाफ लाइफ बढ़ेगी। आ रही है बात समझ में? इनवर्सली जाएगा। तो चलिए अब एक और फैक्टर हमारा इंतजार कर रहा है, वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। आरहेनियस इक्वेशन कहती है k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आरटी होता है। k यहां पर रेट कांस्टेंट है, ए यहां पर आरहेनियस कांस्टेंट है, ई यहां पर एक्सपोनेंशियल वैल्यू है जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, ई ए यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी है अपॉन आरटी, आर यहां गैस कांस्टेंट है, टी यहां पर टेम्परेचर केल्विन में रखना है। आर की वैल्यू जनरली ई ए की यूनिट के जैसे साथ रखी जाती है, ई ए अगर कैलोरी में, आर कैलोरी में रखोगे, ई ए अगर आपके पास जूल में, आर जूल में रखोगे, जूल में इसकी वैल्यू 8.314 होती है और कैलोरी में इसकी वैल्यू केवल 2 होती है। तो और ध्यान रखना, ये अगर आपको किलो जूल में दे रखा है तो किलो जूल को जूल में चेंज कर लेना, क्योंकि आर की वैल्यू तो आपको जूल में ही रखनी है, या फिर आर की वैल्यू को चेंज करना जूल में। तो जो भी मैंने बताया जूल में बताया, कैलोरी में बताइए आर की, ये को भी आपको जूल और कैलोरी में ही रखना है, फिर किलो जूल किलो कैलोरी में नहीं रखना है, चेंज करना है उसको, ठीक है? तो यहां आपके पास ये पॉइंट आ गए छोटे-छोटे पॉइंट से।
अगला पॉइंट, ये जो हमारे पास है ई इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन इन विच एनर्जी इज ग्रेटर देन ई ए, यानी वो ये वो मॉलिक्यूल है जो जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है तो ये हमें ये भी डिसाइड कर देगा हाँ कि ये ज्यादा है और इनके चांसेस ज्यादा है किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के। अगर इनका कोलिजन फैक्टर यानी कि डायरेक्शन फैक्टर जो कि आपके पास आरेनियस इक्वेशन का कांस्टेंट ए आता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर आपको एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा कितना प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है डायरेक्टली। तो ए एंड ई ए आर द कांस्टेंट, डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, दोनों ही कांस्टेंट है एक्टिवेशन। और एक और चीज, एल एन के इक्वल टू क्या होता है, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एल एन के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, एल एन ए ए यहाँ पर आरएनियस कांस्टेंट है, माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यहाँ पर रेट कांस्टेंट गैस कांस्टेंट है, टी केल्विन टेम्परेचर है। अब देखिए इनके अंदर कर्व कैसा बनेगा, एल एन के वर्सेज वन अपॉन टी के बीच में कर्व इस तरह का होगा और ये कर्व आपके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। दूसरा पॉइंट, ये नेगेटिव स्लोप होगा, दिख रहा है ना, तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी भी कैलकुलेट की जा सकती है, बस आपको क्या लिखना है, अगर थीटा यहाँ से लिया जा रहा है तो ये माइनस ई अपॉन आर टी होगा और अगर थीटा यहाँ से लिया जा रहा है तो फिर प्लस ई अपॉन आर टी होगा। समझ में आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू, तो कुछ भी गलती भी हो जाए तो आप मैग्नीट्यूड लेके आंसर निकाल ही दीजिएगा। आर और ई ए को सेम यूनिट में रखने का ध्यान रखिएगा, सही है। एक और फैक्टर है जिसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कॉफिशियंट, टेम्परेचर कॉफिशियंट ये बताता है कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देते हो रिएक्शन का तो आपकी रेट कितने टाइम्स बढ़ जाती है या आपका रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स बढ़ जाता है। तो एक तरह से इट इज द रेशियो ऑफ के टी प्लस 10 अपॉन के टी या आर टी प्लस 10 अपॉन आर टी, आप रेट भी ले सकते हो या आप रेट कांस्टेंट भी ले सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर आप यहां पर क्या लोगे 298, तो टी 298 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 298 प्लस 10 कितना होता है आप खुद कैलकुलेट कर लो। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर कॉफिशियंट कहलाएगा, बाकी लगेगा तो हर जगह। इसकी वैल्यू जनरली 2 से 3 के बीच में होती है, एग्जैक्ट कोई फिक्स नहीं है, वो जो एग्जामिनर दे हमें वही लेना है, अगर वो ना दे तो बाय डिफॉल्ट हमें क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़े तो 2 ले लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 10, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में। दूसरी तरफ एक और हमारे पास है कि क्या हम रेट कांस्टेंट को यानी कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसको एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं। तो देखिए एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू हमारे पास होता है एक्टिवेशन ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, इज दैट क्लियर। ध्यान दीजिएगा यहाँ के टू ऊपर है तो टी वन पहले आएगा, के वन बाद में है, जो भी चीज बाद में नीचे है वो पहले आएगी, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर कोई भी चेंजेज होता है तो या तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन आप ना करें, आप एक ही फॉर्मेट में याद करें, आपका काम चल जाएगा। इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से एक बात और पता चल रही है आपको और वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई भी रिएक्शन हो रेट कॉन्स्टेंट बढ़ेगा, भले वो रिएक्शन फॉरवर्ड की हो या बैकवर्ड की हो, वो और बात है कि फॉरवर्ड का ज़्यादा बढ़ेगा या बैकवर्ड का ज़्यादा बढ़ेगा उस पर अभी हम कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन बढ़ेगा दोनों का। अगर फॉरवर्ड का ज़्यादा बढ़ गया तो वो तब होता है जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो, अभी तो फिलहाल मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इरिवर्सिबल, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा एक और पॉइंट, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में बढ़ती है वो एंडो होती है, जिसमें कम होती है वो एक्सो होती है। तो एंडो के अंदर आपके पास हीट एब्जॉर्ब होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है, और एक्सो के अंदर हीट लिबरेट होगी क्योंकि ओवरऑल वो खुद ही लिबरेट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी खत्म करके। तो ये हमारे पास हो गया एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये हमारे लिए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर जस्ट फॉर कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो हमारे को बस इतना सा चाहिए। तो ये वाली होगी एनर्जी हमारे पास एक्टिवेशन, ये एनर्जी होती है हमारे पास एवरेज, ये एनर्जी होती है हमारे पास क्या होती है थ्रेशोल्ड। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी दिस और ये एवरेज, ये एक्टिवेशन यानी एवरेज प्लस एक्टिवेशन इक्वल टू थ्रेशोल्ड, इज दैट क्लियर। और डेल्टा एच हमारे लिए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, आ रही है बात समझ में। तो ये हमारे पास और हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।